हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन्फिनिक्स हॉट 30i के बारे में। इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये स्मार्टफोन में आप लोगों को 8,999 रुपए में क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है ना वो है 8,999 रुपए स्टार्टिंग प्राइस। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 30i में आप लोगों को 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक हेलियो G37 का प्रोसेसर दिया गया है इस स्मार्टफोन में। पीछे के साइड में आप लोगों को डुअल कैमरा देखने को मिल जाएंगे 50MP प्लस AI, और फ्रंट कैमरा आप लोगों को 5MP का देखने को मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी और 10W का नॉर्मल चार्जर दिया गया है इस स्मार्टफोन में। आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB रोम मिल जाता है 8,999 रुपए में, और इसमें 8GB का आप लोगों को वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाता है, तो दोनों मिलाकर के 16GB हो गया। लेकिन ये एक मार्केटिंग सिस्टम है, इससे होने वाला कुछ है नहीं, तो ये देख करके मत खरीद लेना। 8GB आप लोगों को रैम मिलेगा। इन्फिनिक्स ने कुछ नया किया है, मतलब इतना कम प्राइस में 8GB रैम 128GB रोम दिया है। इसमें आप लोगों को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसका डिज़ाइन जो है ना वो आईफोन जैसा है, मतलब आईफोन से ही कॉपी किया गया है। सिर्फ इन्फिनिक्स नहीं कर रहा है, बहुत सारी कंपनियाँ कर रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसे ख़रीदने से कोई प्रॉब्लम होगा क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। इन्फिनिक्स जाना जाता है कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा फीचर्स देने के लिए, और ये इन्होंने इस स्मार्टफोन में भी किया है। इसमें भी आप लोगों को सारे बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा इस स्मार्टफोन को अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो सिंपल यूसेज के लिए खरीद सकते हो, और जो लोग इसे गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं वो सोच रहे होंगे कि 8GB रैम दिया है 128GB रोम तो मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को बता देता हूँ भाई, प्रोसेसर इसमें ना अच्छा वाला नहीं दिया गया है, तो आप गेमिंग कर सकते हो, हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हो, थोड़ा देर खेल सकते हो, मस्ती उठा सकते हो। लेकिन ज़्यादा हैवी गेम अगर आप बोलोगे कि मैं इसमें कर लूँगा तो वो नहीं होगा। तो सिंपल यूसेज के लिए आप इस स्मार्टफोन को ख़रीद सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।